ये 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 सब साफ करने का है, समझ गए? ऐसे मौसम में सुबह नहीं हो सकती क्या? अरे मौसम खराब है इसलिए तो तुम दोनों को दुगने पैसे दे रहे हैं फार्म साफ करने के लिए। अरे साहब ऐसी भी क्या आफत आ गई है कि आप रात भर रुक नहीं सकते? अरे बच्चू ये फार्म हाउस देखने के लिए पार्टी आने वाली है, अगर ये फार्म हाउस पार्टी को पसंद आ गया तो करोड़ों की डील होगी। यहाँ कोई सफाई वफाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? ये जमीन हमारी है, चलो फुट ले यहाँ से। वाह वाह मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। देखिए ये जमीन वसुंधरा जी की है, लेकिन आप लोग है कौन? कौन वसुंधरा जी? हाँ इस जमीन के मालिक हम हैं, सालों से हम ही इसकी देखभाल कर रहे हैं। तुम्हें किसने कहा इस जमीन की देखभाल करने के लिए? देखिए मैं कह रहा हूँ आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं अभी का अभी पुलिस को फोन करूंगा। पुलिस को तो जब बुलाया ना जब जिंदा बचेगा, यही मार के इसी जमीन में गाड़ दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा कहाँ गायब हो गया, समझा? साहब तूफान बढ़ रहा है साहब, चलो भागो। ए, ए, कोई नहीं जाएगा। अरे भाई साफ करो, मैं कह रहा हूँ ना साफ करो। तुम लोग के समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले लगता है। ये नारियल का झाड़ कितने सालों तक खड़ा रहता है, ये गिरा कैसे? अरे ये क्या है? ये कैसे हो गया? ये इंसान का कंकाल है। सब सब तूफान तो थम गया। ये तूफान तो थम गया लेकिन इस तूफान का क्या होगा? अगर ऐसे हर प्रॉपर्टी में से कंकाल निकलता रहा तो मेरा प्रॉपर्टी का धंधा ही चौपट हो जाएगा। अगर मुझे पता होता कि इस प्लॉट में से कंकाल निकलने वाला है तो मैं इस प्लॉट में कदम ही नहीं रखता। तुम लोग सालों से दूसरों की प्रॉपर्टी लपेटने में लगे हुए हो और ये प्लॉट भी बरसों से बंद पड़ा है, कहीं ये मुर्दा तुम लोगों ने तो निकाल रखा है जमीन पे? इतना बड़ा इल्जाम मत लगाए साहब, हम लोग खूनी नहीं है साहब, हम तो बस खाली पड़ी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं बस। जमीन के पीछे बड़े बड़े खून होते हैं। सर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, आप इनका यकीन मत कीजिएगा। सर ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, इन लोग ने कल रात को मुझे धमकी दी थी, कह रहे थे कि ये प्लॉट छोड़कर चले जाओ नहीं तो ये दोनों मुझे मारकर इसी जमीन में गाड़ देंगे। तो जमीन में मुर्दे गाड़ने की आदत पड़ गई इन लोगों। और किन किन लोगों को गाड़ रखा है यहाँ पे? हमने कोई मुर्दा नहीं गाड़ा है साहब, हम सच कह रहे हैं। साहब हमें जाने दीजिए साहब, इस खून से हमारा कोई लेना देना नहीं है साहब। खून से लेना देना हो या ना हो, दूसरों की जमीन हड़पना भी एक गुनाह है। चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे। हाँ सचिन कुछ पता चला? हाँ सर, ये इस कंकाल का ये पेल्विक एरिया देख के लगता है कि ये किसी आदमी का कंकाल है। आदमी का है? हाँ सर। सर कंकाल की घड़ी 9:30 पे अटकी हुई है। साढ़े नौ बजे, इसका मतलब इस आदमी की मौत सुबह 9:30 या रात को 9:30 हुई है? सर हो सकता है इस आदमी का खून फार्म हाउस के अंदर हुआ और उसके बाद यहाँ पे लाके इसे गाड़ दिया गया। हो सकता है। सियोक ये फार्म हाउस कब से बंद पड़ा है? यही कोई 20 से 25 साल। सर इस जमीन के मालिक सोच रहे थे कि इस जमीन का भाव बढ़ जाए तभी इसे बेचे। आप तो जानते हैं सर आजकल जमीन के भाव आसमान को छू रहे, तो उन्होंने सोचा कि अभी ये जमीन बेच दे। इसके लिए उन्होंने तुमको कांटेक्ट किया, तुम कोई पार्टी वगैरह लाओ और ये जमीन बिकवा दो। जी सर ये मेरा कार्ड है, अगर आपको कोई जमीन खरीदनी या बेचनी हो तो सर मुझे याद कीजिएगा। पहले इस मुर्दे का हिसाब किताब कर ले। जी सर। ये देखिए सर, चेन का टुकड़ा और ये पेंडेंट मिला इसके पास से। इस मुर्दे का ही होगा, पता नहीं और क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे। एक काम करते हैं फार्म हाउस को अंदर से चेक करते हैं। सुयोग। हाँ हाँ सर। फार्म हाउस की चाबी दो। सर अगर ये खून बहुत साल पहले हो चुका है तो क्या अभी भी यहाँ कोई सुराग बचा हुआ होगा? अगर खून वाकई फार्म हाउस के अंदर हुआ है तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। कोई भी मर्डर परफेक्ट नहीं होता, अगर डिटेक्टिव की नजरें तेज हों तो सालों के बाद भी कोई ना कोई ऐसा सबूत मिल जाता है जिससे खून ही पकड़ा जाए। देखिए सचिन। हाँ सर, इस चेयर के ऊपर चादर नहीं है। घर का जितना भी फर्नीचर है सबके ऊपर चादर गिरी हुई है।
सिर्फ इसी कुर्सी के ऊपर नहीं है। इसका मतलब घर का मालिक जब यहाँ से गया उसके बाद यहाँ पे कोई आया, उसने इसके ऊपर से चादर हटाई और शायद इसके ऊपर बैठा। मतलब यहाँ पे कुछ हुआ है, शायद उसी हादसे में यह चेयर गिरी है। तब से लेकर आज तक कैसे ही पड़ी हुई है, शायद किसी का इंतजार कर रही है कि अपनी कहानी सुना सके। मिट्टी की परत जमी हुई चेयर के नीचे, ऐसा लगता है तब से लेकर आज तक सफाई हुई नहीं। खून होने के बाद यहाँ पे कोई ना कोई सबूत वैसे के वैसे ही पड़े होंगे। इतने सालों के बाद भी सर। टूटी हुई चेन, चेन का टुकड़ा, कहीं उसी चेन का टुकड़ा तो नहीं? जो चेन और पेंडेंट हमें कंकाल के हाथ में मिला था, उसी का बचा हुआ हिस्सा तो नहीं? ये क्या? कुछ निशान है? किसी की उंगलियों के निशान लगते हैं। रेडी, एक काम करो, सब बाहर जाओ और इस पे टॉर्च मारो बाहर से। उंगलियों के निशान है, मगर ये उंगलियों के निशान यहां पे आए कैसे? क्या हुआ क्या यहां पे? सवालों का जवाब ये निशानी देंगे। इनको अगर यहां उठाया तो शायद खराब हो सकते हैं। एक काम करो, ये पूरी की पूरी खिड़की उखाड़ लो और फॉरेंसिक लैब भेज दो। इस फार्म हाउस के मालिक को बुलाओ। सुंदरा जी, फार्म हाउस आपका ही है ना? जी, ये मेरे हस्बैंड विक्रम और ये मेरे भाई रोहित। ये हो क्या रहा आपके फार्म हाउस में? आपको मालूम है हमें यहाँ पे क्या मिला है? क्या मिला है सर? आपके ऑफिसर ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। इनके मुंह पे ताला लगा हुआ है। हाँ, इन्हें जरा चुप रहने की बीमारी है, पता ही नहीं चलता कि कब चुप रहेंगे और कब बोलने लगेंगे। वैसे अब तुम बोल सकते थे। थैंक यू सर, मेरी तो सांस ही अटक गई थी। हम आपके फार्म हाउस की कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहते हैं जो अभी कुछ ही देर पहले हमने खींचे। ये देखिए, ये आदमी का कंकाल। जी हाँ, आदमी का कंकाल हमें यहाँ मिला है जो आपकी जमीन में गड़ावा मिला, यहाँ तक कि इसके ऊपर ये नारियल का पेड़ उगाया। नारियल का पेड़ सर? जी हाँ, नारियल का पेड़ है ना। कमाल की बात कि एक आदमी जाके जमीन में सो जाता है जबकि जमीन के ऊपर इतनी सारी जगह है सोने के लिए। क्या जवाब है आपके पास इस बारे में? मैं हाँ 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 बोलिए, जल्दी बोलिए वसुंधरा जी, कौन है? सर, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। आपको नहीं पता तो किसे पता है, इन्हें या फिर इन्हें? देखिए सर, हम शरीफ लोग हैं, हमारा इस कंकाल से कोई संबंध नहीं है। ये शराफत की किताब जरा बंद करो, तुम समझे? इस कंकाल का ध्यान करो, जो भीख मांग रहा है पूछ रहा है कि कौन हूँ मैं। आप देखिए सर, हम तो कई सालों से यहाँ आए भी नहीं है। ये भी कई सालों से यहाँ पे लेटा पड़ा है और कई सालों पहले ही इसका खून हुआ है, समझे? खून? जी हाँ, खून ही है ये, वरना इस नारियल के पेड़ के नीचे 3 गज जमीन के अंदर पड़ा नहीं होता ये। दरअसल ये फार्म हाउस मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट किया था 1980 में। उसके बाद हम कभी कभार यहाँ पिकनिक मनाने आया करते थे, लेकिन 1986 के बाद हम में से यहाँ कोई नहीं आया। मतलब 25 सालों से ये फार्म हाउस सुनसान पड़ा था, कोई वॉचमैन या केयरटेकर नहीं है क्या? जगत नाम का केयरटेकर था तो सही, लेकिन उसने भी अचानक नौकरी छोड़ दी और अब वो कहाँ है कुछ अता पता नहीं है। एक केयरटेकर अगर काम छोड़कर चला गया तो दूसरा नहीं ढूंढ सकते थे? इस जगत का कोई एड्रेस, कोई फोन नंबर है आपके पास? मेरे पास एक नंबर तो है, बहुत पुराना नंबर है, वो पता नहीं काम कर भी रहा है कि नहीं। उसकी चिंता आप मत कीजिए, हम पता लगा लेंगे। थैंक्स वसुंधरा जी, अभी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप लोग शहर छोड़ के नहीं जाएं। जी हाँ सर। डॉक्टर सालोंके ने ये चेन और पेंडेंट अच्छी तरह से साफ किए हैं। वेरी गुड।
क्या लिखा है? इस पेंडेंट के पीछे तो डेट लिखी है 5/11/1965। सर ये किसी की बर्थ डेट या फिर मैरिज की डेट हो सकती है। आगे क्या है ये? तो किसी भाषा का कोई अक्षर लगता है। स्पेशल ऑर्डर से ही बनवाया होगा। 5/11/1965 पता करते हैं। आज से 46 साल पहले किसने बनवाया ये पेंडेंट और कहाँ बनवाया था? इसकी हड्डियां पूरी तरह से बढ़ चुकी थी, मतलब ये पूरा ग्रोन अप था, मगर बेचारे के घुटने कुछ, ये देखो ये घुटने की हड्डी घिसना शुरू हो गई। 40 साल के आसपास का था ये। सालों के मुर्दे की इस हालत को देखे तू बता सकता है ना कि खून कैसे हुआ इसका? हाँ, चाकू की वजह से। ये देखो यहाँ बॉस, इसकी छाती पर चाकू लगा और ये चाकू बिल्कुल पीठ तक चला गया है। लंबा चाकू था, बहुत खून बहा हुआ है इस बेचारे का। सर अब आप आज तो बता ही सकते हैं कि इसकी मौत कब हुई। आपने ये नई मशीन मंगवा रखी है? आ दया, इसकी हड्डियों की कार्बन डेटिंग करनी पड़ेगी। बहुत ही खास किस्म का स्पेक्ट्रोमीटर है। और सालों के मुर्दे के डीएनए का भी पता चल सकता है? हाँ बॉस, मुर्दे के डीएनए का भी पता चल सकता है और मुर्दा मरा कब ये भी पता चल सकता है। अभिजीत तू ट्रे देना। ये हड्डी के पाउडर से पता चल जाएगा डॉक्टर साहब कि इसका खून कब हुआ है। देखते जाओ तो। और देखो शरबत बनाएगा ये। टॉपर से? हाँ, पीता भी टॉपर से। अबे मशीन कैलकुलेट करके बता देगी कि इस आदमी के शरीर में कितना कार्बन है और उससे ये पता चल जाएगा कि इसकी मौत को कितना वक्त हो गया। मेहरबान कदरदान, ये देखिए बच्चे लोग ताली बजाएंगे और बूढ़े लोग वो ऐसे ही रहेंगे। 25 साल बॉस, इस आदमी को मरे हुए 25 साल हो गए। 25 साल मतलब 1986-87 की बात है। 25 साल पहले तो हम लोग सीआईडी में भी नहीं थे। कोई बात नहीं सर, हम लोग 1986 के खूनी को भी ढूंढ निकालेंगे। और क्या सालों जी, इस हाथ के निशान का क्या हुआ? उंगलियों के निशान मिले इसमें से? नहीं बॉस, अभी नहीं, वो जरा ध्यान से निकालने पड़ेंगे। जरा सी भी गलती हुई तो ये निशान ही हाथ से निकल जाएंगे। वैसे मैंने इस खून में से इसका डीएनए निकाल लिया है। ये रही रिपोर्ट। 344 KGH99 591 MCP11। यार ये खूनी का डीएनए और मुर्दे का डीएनए अलग अलग है। हाँ बॉस, ये मुर्दा तो बेचारा खूनी नहीं है, ये जो कांच पर खून लगा हुआ है ये तो किसी और का ही है। इस खूनी के हाथ खून से रंगे हुए थे जब वो वहां से भागा। सालों के साथ प्लीज इस खूनी की उंगलियों के निशान किसी तरीके से निकाल के हमें दे दीजिए। अरे सर बस यही एक सहारा है ना। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तारिका जी से पूछो ना। सर मुर्दे का चेहरा बन गया। इतनी जल्दी चेहरा भी बन गया? अरे वाह,
अभिजीत सर, उन तीनों को ये चेहरा दिखाओ, देखो पहचानते हैं क्या। ऐसा कभी हो सकता है क्या सर? हो सकता है नहीं, हो गया है। विश्वास ही नहीं हो रहा कि किसी कंकाल को देखकर किसी का चेहरा बनाया जा सकता है। अंग्रेजी फिल्मों में होते हुए देखा था। इंडिया में भी ऐसे चमत्कार होते हैं रोहित जी। मुजरिमों को पकड़ने का साइंस काफी आगे बढ़ चुका है। खून करके कोई आसानी से छूटने वाला नहीं है, समझे? ये फोटो देखिए ध्यान से, पहले कभी देखा है क्या इसे? ऐसे देखा हुआ लगता तो नहीं सर। विक्रम जी, अगर 25 साल पहले देखा भी होगा तो कहाँ याद आने वाला है आप? मैंने भी पहले कभी नहीं देखा इसे। न जाने ये मेरे फार्म हाउस में घुसकर कर क्या रहा था। इसे मार के आपके फार्म हाउस में गाड़ा गया था। कोई ना कोई तो संबंध जरूर होगा आप लोगों का। नहीं नहीं सर, हम इसे नहीं जानते, शायद कोई बाहर का आदमी लगता है। क्या ना, फार्म हाउस सुनसान पड़ा था, मौके का फायदा उठाकर अंदर घुस आया होगा। ऐसा लगता है क्या आपको? एक बार पता चल जाए कि आदमी है कौन, फिर मिलते हैं आप लोगों से। आप लोगों ने बहुत देर कर दी आने में। मेरे पति जगत की मौत तो 25 साल पहले हो चुकी है। 25 साल हो गए मौत को? कब मौत हुई इनकी? 12 फरवरी 1987 को। कैसे? एक्सीडेंट हुआ था, सड़क पर चलते चलते किसी ट्रक ने टक्कर मार दी थी। एक ट्रक ने टक्कर मार दी? जी हाँ, पर आप सब लोग 25 साल बाद उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या कोई पैसे देने थे क्या? पैसे की कोई बात नहीं है, दरअसल हमें कुछ पूछना है। पूछताछ किस बारे में? क्वींस रोड पे जो फार्म हाउस है 69 नंबर का, आपके पति जगत वहीं पे केयर टेकर थे ना? हाँ, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? एक्चुअली उस फार्म हाउस में हमें एक कंकाल मिला है। कंकाल? जी हाँ, एक आदमी का कंकाल। पर उसका जगत से क्या लेना देना? देखिए माई जी, हमें ऐसा लगता है कि जगत का उस कंकाल से कुछ लेना देना था। जगत तो अब इस दुनिया में नहीं है, सच बोलने में कुछ बुराई नहीं है। आप कुछ कहना चाहती है? शराफत की जिंदगी जीने से पहले जगत कई बार जेल जा चुका था। जेल किस लिए? चोरी चकारी, मारपीट वगैरह। पर मैंने उसे अपनी कसम दिलाकर कहा था कि ये सब छोड़ दे, इसीलिए तो उसने फार्म हाउस की नौकरी कर ली। एक्सीडेंट से पहले जगत को कोई टेंशन वगैरह थी? जी नहीं, पर अक्सर वो घर देर से आने लगा था और फिर उसने फार्म हाउस की नौकरी भी छोड़ दी थी। नौकरी छोड़ दी थी अचानक? आपने पूछा नहीं था क्या? कह रहा था कि वक्त आने पर बता देगा, पर वक्त आने से पहले ही उसकी मौत हो गई। ये फार्म हाउस की नौकरी जगत ने कब छोड़ी थी, आपको कुछ याद है क्या? यही मरने के कुछ 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? जगन की मौत हुई थी 12 फरवरी को, मतलब 10 फरवरी को उसने ये काम छोड़ा। सर, ये ऐसा तो नहीं कि ये फार्म हाउस वाला खून 10 फरवरी को हुआ हो? ऐसा ही लगता है। जगत के एक्सीडेंट की FIR तो दर्ज हुई होगी, उसी से कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है सर। गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? ये जगत ही था जो हमें खूनी तक पहुंचा सकता था, मगर ये खुद ऊपर वाले के पास पहुंच गया है। अब हमें खूनी तक कौन लेके जाएगा सर? बड़ा टेंशन है सर। ये बात तो है फ्रेडी। जगत की मौत 12 फरवरी 1987 को हुई, खून होने के 2 दिन बाद में। इससे एक बात तो साफ है सर कि वो कंकाल जगत का नहीं था। दया अगर मान लिया कि वो कंकाल जगत का नहीं है, फिर भी उस कांच के ऊपर जो उंगलियों के निशान मिले हैं, मुझे तो लगता है वो जगत के ही होंगे। मगर सर, जगत की लाश का अंतिम संस्कार तो 24 साल पहले हुआ था, तो फिर ये कहीं अब जगत की पत्नी ने हमें बताया था ना सर कि जगत एक मुजरिम था, तो पुलिस रिकॉर्ड्स में उसके उंगलियों के निशान होंगे और हमें पुलिस रिकॉर्ड्स चेक करने चाहिए। और इस ड्राइवर को भी ढूंढना होगा दया, जिसने अपने ट्रक से जगत को उड़ा दिया। दया, ये जगत का एक्सीडेंट नहीं है, जगत का खून किया गया है। हाँ सर, खूनी को डर लगा होगा कि ये जगत कहीं उसकी पोल न खोल दे, इसीलिए मरवा दिया उसे। सर, ये भी हो सकता है कि जगत को किसी ने खून करते हुए देख लिया हो, तो जिस आदमी को जगत ने मारा उसकी मौत का बदला लेने के लिए उसने जगत को भी मरवा दिया। सर, मिल गया। क्या मिल गया? सर, इस पेंडेंट का डिजाइन मैंने इंडिया की सभी पुरानी ज्वेलरी शॉप से भेजा था। फिर? सर, ये पेंडेंट जस्टिना ज्वेलरी शॉप चेन्नई में बना है,
जस्टिना ज्वेलरी शॉप चेन्नई। रेडी बार जाओ सर। वो ये रही सर 1987 की फरवरी की फाइल। जगत कुमार के रोड एक्सीडेंट की रिपोर्ट इसी में है। वो तो अच्छा हुआ कि आपने ये फाइल जल्दी मांग ली। अगर ये फाइल आप 6 महीने बाद मांगते तो इसका कोई भी पन्ना पढ़ने लायक नहीं रह जाता। इतने सारे फाइल्स में जो रिकॉर्ड्स है उन्हें कंप्यूटर में डलवा दीजिए ना, समय के साथ आगे बढ़ने में ही समझदारी है। ये देखो दया, जगत के एक्सीडेंट की रिपोर्ट। जगत का एक्सीडेंट पेरल रोड पे हुआ, कोई केतन नाम के ट्रक ड्राइवर ने कुचल दिया इसे। एक मिनट सर, पेरल रोड पे ट्रक का एक्सीडेंट? हाँ सर, पेरल रोड पे ट्रक वगैरह और हैवी व्हीकल्स के आने जाने की मना ही है सर, तो ये ट्रक का एक्सीडेंट कैसे हुआ वहाँ? सर शायद 1987 में वहाँ पे ट्रक्स चलते रहे होंगे। नहीं निखिल, पेरल रोड छोटी सी रेजिडेंशियल रोड है, वहाँ पे शुरू से ट्रक और बस वगैरह आते जाते नहीं है। तो इसका मतलब है दया, हमारा शक सही है, ये जगत का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, जगत का खून किया गया। और ये केतन, ये देखो, ये जमानत पे छूटा था लेकिन उसके बाद वो फरार है, गायब है अब तक। मतलब 100% ये खून का मामला है सर? किसी ने केतन को पैसे दिए जगत को ट्रक से उड़ाने के लिए? हाँ, पता लगाना पड़ेगा दया, इस ट्रक का मालिक है कौन। जैसे जैसे धूल का एक एक कण खून के ऊपर से हटता जा रहा है, वैसे वैसे खूनी का चेहरा सामने आता जा रहा है। चेहरा? कांच के ऊपर उसकी फोटो चिपकी हुई थी, मुझे कैसे लगी? पीछे पीछे, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है समझे। और वैसे अगर 5-10 ग्राम अकल ज्यादा होती ना तो समझ में आ सकता था। मेरी अकल का खूनी के फिंगरप्रिंट से क्या लेने देना? एक फ्रेडी, एक मिनट। जैसे जैसे फिंगरप्रिंट साफ दिखने लगेंगे, फांसी का फंदा खूनी तक पहुंचने लगेगा। 25 साल से जो खून इस कांच पर चिपका हुआ है वो इस धूल की वजह से ही है। आंधी तूफान बरसात सब में बचा रहा है। अब ये धूल निकालते वक्त में ही इसी बात से डर रहा हूं कि कहीं धूल के साथ साथ ये निशान भी ना निकल जाए। साडू के साहब, इतने प्यार से तो आपने अपनी गर्लफ्रेंड के कान में भी नहीं फूंक मारी होगी। तारिका, बाकी का काम तुम देख लो, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। भैंस? 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 तुम्हें तो नहीं बोला? डॉक्टर साहब, आपने मुझसे कहा? देखो तुम लोग सीआईडी ऑफिसर हो, सिर्फ सीआईडी ऑफिसर, भगवान नहीं हो तुम लोग। और अगर ये निशान किसके नहीं पता चलेगा तो खूनी मिलेगा तुम्हें? नहीं मिलेगा शाहरुख के साहब, नहीं मिलेगा। हमने कब कहा? हम तो इतनी इंपॉर्टेंट बात में गर्लफ्रेंड कहां से आ गई? आप जाने दीजिए ना डॉक्टर साहब, नादान है बेचारा अभी जी। नादान? तारिका तुम समझाओ ना इसे। अब मैं क्यों? ये निशान, ये तो बहुत साफ साफ दिखने लगे। हाँ बहुत साफ दिख रहे हैं। सारंग के साथ फोटो ले लें? मैं यही करने वाला था, तुम्हें कैसे पता चला? डॉक्टर साहब वो तारिका ने बहुत कुछ सिखा दिया इसे, ये लोग हर रोज गला साफ हो गया सब लोगों का। तो फिर कुछ काम की बात कर ले। बात क्या करनी सर, काम कर लेते हैं। मैं आपकी मदद करता हूँ। ये फोटो लेनी है, ये कैमरा, कैमरा जो है ये मैं लगा देता हूँ सर। ये फोटो तो ले लो सर। बस सर,
फिंगरप्रिंट्स एकदम क्लीन है। मतलब काम हो गया? देखते हैं। ये जितने भी फिंगरप्रिंट्स आए हैं, इन सब को एक साथ मिला के देखें, तो हमारे पास एक अच्छा प्रिंट तैयार हो जाएगा। हाँ, मैं वही कर रही हूँ। हो गया सर, फर्स्ट क्लास। अच्छा, वेरी गुड। अरे तो तारिका तुम खड़ी क्यों? अपने रिकॉर्ड में जितने भी अपराधियों के फिंगरप्रिंट्स हैं उनसे मैच करके देखो ना जल्दी से। एक एक मिनट सारुंके साहब, एक मिनट, काम आराम से करना चाहिए। तारिका जी, आपको आपको कुछ मिला? हाँ, मैच हो गया है। ये उंगलियों के निशान जगत के। अरे हाँ बॉस, ये उंगलियों के निशान तो जगत के ही है। मतलब ये कौन जगत ने किया? ये अच्छा हुआ केस खत्म हो गया। जगत ने खून किया, जगत मर चुका है, हम घर चलते हैं। बाय बाय सालूम के साहब। फ्रेडे, जल्दी घर जाएगा तो भाभी मारेगी। सर ये बीच में भाभी कहां से आ गई सर? क्योंकि केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तक पता नहीं चला है कि जगत ने किसका खून किया। This is the best gift for your wife, sir. Mr. Swami? Yes, sir. I'm Senior Inspector Abhijit, CID Mumbai. Welcome to Chennai, sir. आपसे ही फोन पे बात हुई थी? जी सर, वो जरा कैटलॉग दे। ये वही डिजाइन है ना सर, जिसका आपने ईमेल किया था मुझे? ये देखिए, ये पेंडेंट आपकी ही दुकान का बना है ना? नादन के कोपन। ये नादन करते आ रहे हैं? ये तो पन्नी नवर है नादन दा। सर ये पेंडेंट पहली बार किसी नादन नाम के कारीगर ने बनाया था, जो अभी भी इनके दुकान में काम करता है। 25 साल के बाद भी यहाँ पे काम करता है। सर कोटिंग ला सर, चियारी मुंबई। वनाका सर। नमस्कार, इनसे पूछना सर। ये तो यार ऑर्डर पन्ना जाए। सर ये जो डिजाइन है ये एक्चुअली एक अल्फाबेट है सर। अल्फाबेट है? जैसे ये अंग्रेजी में एबीसीडी है ना, वैसे एक तमिल में एक अक्षर है। तो ये कौन सा अक्षर है? सी का सर, एबीसीडी वाला सी है ना, वो सी तमिल का सी है सर। अरे जरा इनको पूछो, याद आया क्या? हाँ। इसके लिए बनाया था। इधर यार का पंडित ज्ञापन इरुका सर। इन द पेंडेंट और मैडम தன்னோட ஹஸ்பண்டுக்காக பண்ணாங்க, அவரோட बर्थडे கூட 5th नवंबर 1965 பாருங்க। नादन कह रही है एक औरत अपने पति के लिए ये पेंडेंट बनवाने आई थी, उनका पति का जन्मदिन 5 नवंबर 1965, जो ये पीछे लिखे गए सर। हाँ वो तो हमें मालूम है। जरा इनसे पूछिए वो लोग कहाँ रहते थे? அவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியுமா? எங்க வசிக்கறாங்க? ஞாபகம் இல்ல சார், உங்களுக்கு மாலும் இல்ல சார். आपको मालूम है कहाँ रहते थे? नहीं सर। ठीक है, कम से कम दो बातें तो पता चल गई। एक तो इस आदमी का नाम सी अक्षर से शुरू होता है, अगर 1965 में पैदा हुआ था तो 87 में 22 साल का होगा और इस वक्त करीब 46 साल का होगा। हमें ये पता करना पड़ेगा कि 1965 5 नवंबर को कितने लोग पैदा हुए थे यहाँ पे जिनका नाम सी अक्षर से शुरू होता है। हेलो पापा, कहाँ हैं आप? जी आप जल्दी से ऑफिस आ जाइए पापा, यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो गई है। सीआईडी वाले आए हैं और किसी केतन नाम के ड्राइवर के बारे में पूछ रहे हैं। और कितनी देर लगेगी? जी वो पास में ही है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने जब उन्होंने केतन का नाम सुना? सर उस आदमी को मैं कैसे भूल सकता हूँ, मेरी ही थाली में खाया और उसी में छेद भी किया, और कोई छोटा मोटा छेद नहीं, इतना बड़ा गड्ढा कर दिया कि आज तक मैं अदालत के चक्कर काट रहा हूँ। अदालत के चक्कर? जी हाँ सर, 1987 में केतन की ट्रक चलाने की लापरवाही की वजह से जगत नाम का एक आदमी मारा गया। केतन पे तरस खाकर मैंने उसकी जेल से जमानत करवाई, फिर उसने मुझे ही चूना लगाया और भाग गया और आज तक वापस नहीं आया। हमें शक है कि जगत की मौत एक एक्सीडेंट नहीं था, केतन ने जानबूझकर ट्रक के नीचे कुचल दिया। पर वो ऐसा क्यों करेगा? अब इस क्यों का जवाब तो एक ऐसे कंकाल से जुड़ा हुआ है जिसका खून 10 फरवरी 1987 को हुआ था, यानी कि केतन के एक्सीडेंट करने के ठीक दो रात पहले।
उसी एक्सीडेंट में ये जगत भी मारा गया था और ये जगत एक फार्म हाउस का केयरटेकर है और उसी फार्म हाउस में हमें एक कंकाल मिला है। हे भगवान, केतन ने मुझे कौन सी नई मुसीबत में फंसा दिया। केतन के भाग जाने के बाद कभी कोई खबर सुनी उसकी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जरा याद करने की कोशिश कीजिए, शायद उससे कोई मिलने आया हो। मिलने? हाँ याद आया, उसके भाग जाने के कुछ दिनों बाद एक आदमी उसे मिलने आया था। कौन था वो? नाम वगैरह तो पता नहीं, बट वो दिखने में अमीर था। कोई और खास बात? नहीं, वो बैसाखी के सहारे चल रहा था। बैसाखी के सहारे चल रहा था? उसके पैर में या घुटने में चोट आई थी। वो कह रहा था उसका एक्सीडेंट हुआ है, पर उसके शरीर पर कहीं पे भी कोई खरोच नहीं था। एक अमीर आदमी जो बैसाखी के सहारे चल रहा है, एक ड्राइवर से मिलने आया है, पर क्यों? सर, हम लोग सेंसस हर साल अपडेट करते हैं। आखिरी अपडेट हुआ था 2011 में। फिर तो हमें इस सी अक्षर वाले का लेटेस्ट एड्रेस और नंबर भी मिल जाएगा। ये बात तो तय है कि ये आदमी, इसने पेंडेंट चेन्नई में बनवाया और फिर यहाँ से मुंबई गया उस फार्म हाउस में जहाँ पे उसका खून हुआ है। ओके ओके, थैंक यू मिस्टर चिन्मय, थैंक्स। सर, सी अक्षर से जिनका भी नाम शुरू होता है, जिनका जन्म 5 नवंबर 1965 को हुआ, उन सबसे पता कर लिया है। फरवरी 1987 को कोई भी मुंबई नहीं गया था सर। सबसे बात होगी? नहीं सर, एक चंदर है जिसका कोई नंबर ही नहीं है। चंदर, चंदर, इस चंदर का तो 1986 के बाद कोई रिकॉर्ड ही नहीं। 1986 के बाद से कहीं ये पेंडेंट इस चंदर का तो नहीं है। एक काम करते हैं, ये जो पुराना एड्रेस लिखा है चंदर का, यहाँ चलते हैं, देखते हैं वहां कुछ पता चलता है क्या। लगता है पूरा घर सालों से बंद पड़ा है, चारों तरफ जाले लगे हुए। विश्वनाथ जी। हाँ सर। ये जो पड़ोसी खड़ा है ना। हाँ सर। उसको जरा लेके आइए। एक मिनट। मांगे भाई, पड़ा मांगे सर। ये घर कितने सालों से बंद पड़ा है? किन्ने? आप जरा इनसे पूछिए कि चंदर को जानते हैं क्या? इस घर में किसी को आते जाते देखा है क्या? चंदर मुझे रहा तेरी माँ, அப்புறம் யாராவது இருந்தாங்களா? இல்ல, இதுக்கு முன்னாடி யாரும் இங்க வந்தது கிடையாது. ரொம்ப வருஷமா இந்த வீடு பூட்டி தான் இருக்கு. முன்னாடி ஒரு பொண்ணு இருந்தா, திடீர்னு அவளும் காணாம போயிட்டா. क्या क्या कह रहे हैं सर? ये कह रहे हैं कुछ सालों से तो यहाँ कोई भी नहीं आया। कुछ वक्त पहले एक औरत रहती थी जो एक दिन अचानक चली गई सर। सर, कहीं ये औरत चंदर की वाइफ तो नहीं, जिसने वो पेंडेंट बनवाया था चंदर के लिए? हो सकता है। ये औरत अकेली रहती थी? அவங்க தனியா இருந்தாங்களா இல்ல யார் கூட தங்கி இருந்தாங்களா? முன்னாடி புருஷன் மண்டாட்டி இருந்தாங்க, அப்புறம் அந்த பொண்ணு மட்டும் தனியா தான் இருந்தா. திடீர்னு புருஷன் செத்தான்னு நியூஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பொண்ணும் திடீர்னு காணாம போயிட்டா. சார், கே ரஹே பஹலே பதி பத்னி ரஹதே தே, பதி கி மௌத் கி கபர் கே பாத் அச்சானக் கஹி சலே கயே சார். சந்திர கி போட்டோ திகா சார். இவர தெரியுங்களா? இத பாத்திருக்கீங்களா? நான் இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயும் பார்த்தது கிடையாது சார். இதுக்கு மாலமே சார். ஒரு காம் करते हैं, घर को अच्छी तरीके से चेक करते हैं। चाय के बगान के पेपर है, गुड टी गार्डन। ये चंदर चाय के बगान में काम करता था। सर, ये देखिए, चंदर के कुछ एक्सरेज और मेडिकल रिपोर्ट मिली है सर। चंदर का एक्सरे मिल गया? अब पता चल जाएगा कि वो कंकाल चंदर का है या नहीं। सर, ये चंदर एक टी एस्टेट में मैनेजर का काम करता था, तो फिर इस केस में इसका क्या संबंध हो सकता है? सर, ये भी तो हो सकता है कि जो पेड़ के नीचे से हमें स्केलेटन मिला था, वो कंकाल चंदर का ही। देखें, डॉक्टर तारिका क्या बताती हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं। चंदर का एक्सरे उस कंकाल के साथ मैच हो जाए, तभी कुछ पता चलेगा। मुझे तो काफी विश्वास है उन पे। हाँ, हमें भी है, हम सबको है विश्वास। क्यों रेडी? आपने कुछ बोला सर? कहाँ खो गए थे तुम? अरे सर, क्या बताऊं सर, वाइफ ने एक लिस्ट दी थी सामान लाने की, वो खो गई है सर। अभी याद करने की कोशिश कर रहा था कि कौन कौन सा सामान लाना है। चंदर का नाम सुना है? हाँ,
सुना है ना सर, इसी केस में सुना है सर। अगर वो कंकाल चंदर का था तो उसका ये पेंडेंट क्राइम सीन पे क्या कर रहा था सर? तो वो तो हमें कंकाल के गले में से मिलना चाहिए था। करेक्ट, वही तो। फ्रेडी, अगर वो कंकाल चंदर का है और ये पेंडेंट वो भी चंदर का है, तो फिर ये पेंडेंट उस कंकाल के मतलब चंदर के गले में होना चाहिए था। उसके हाथ में कैसे आया? मतलब सर, ये चंदर विक्टिम नहीं, खूनी है, और वो कंकाल किसी और का है। जिस किसी का भी है उसके साथ चंदर की हाथापाई हुई होगी, और उसी चीना झपटी में चंदर का पेंडेंट उस आदमी के हाथ में आ गया। इसीलिए तो ये पेंडेंट उस कंकाल के साथ पेड़ के नीचे मिला है। सर, अगर चंदर ने ये खून किया है तो वो जरूर कहीं छुपके बैठा होगा। काफी सालों से फरार है सर ये। वो जो चंदर की डिटेल्स हमें मिले हैं, वो फाइल कहाँ पर है? समय लाता हूँ फाइल। सर, फाइल। अभिजीत, एक बात नोट की तुमने? ये देखो, इन डिटेल्स के मुताबिक चंदर का ये फोटो 25 साल पुराना होना चाहिए। 25 साल पुराना, लेकिन फोटो को देखकर लगता तो नहीं 25 साल पुराना फोटो ही है। मतलब सर, किसी ने ये फोटो बदल दी है? किसी ने नहीं विवेक, चंदर ने फोटो बदली है। ये चंदर ने, क्योंकि वो जानता था कि हम उसका ये फोटो देखकर उसे पहचान लेंगे और वो पकड़ा जाएगा। सर, जिस चाय के बगान में ये चंदर काम करता था, वहां से हमें उसकी असली फोटो मिल सकती है। सर, आपको याद है वो ट्रक कंपनी का मालिक किसी आदमी के बारे में बता रहा था? वही जो ट्रक ड्राइवर के बारे में पूछने आया था। वो बैसाखी वाला आदमी ना अभिजीत, जो एक पैर से लंगड़ा रहा था। हाँ सर, वही। हो सकता है कि उसका भी कुछ हाथ हो इस खून में। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। उसका एक्सीडेंट हुआ था अभिजीत, तो उसने जरूर किसी हॉस्पिटल से सर्जरी करवा ली होगी। हेलो तारिका जी, क्या मैच? चंदर का एक्सरे उस कंकाल के साथ मैच नहीं हुआ। ओह, यही हमें भी शक था। बाद में बात करता हूँ। ओके सर, सुना आपने? जो हम सोच रहे थे वही हुआ। वो कंकाल चंदर का नहीं है, वो किसी और आदमी का है सर। अभिजीत, एक काम करो, तुम और सचिन उस टी प्लांटेशन में जाकर पूछताछ करो, और दया, उस पुराने फार्म हाउस के आसपास जितने भी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल्स है, वहां जाकर के पता करना होगा कि फरवरी 1987 में किसी ने हिप सर्जरी या जॉइंट सर्जरी करवाई थी क्या। हेलो सर। हेलो डॉक्टर सिद्धार्थ, वो रिपोर्ट रेडी है? जी हाँ, फरवरी 1987 में जितने भी ऑपरेशन हुए थे वो सारे रिपोर्ट्स इस फाइल में। थैंक यू। 9 फरवरी को 2 ऑपरेशन हुए थे, एक पैर का और एक घुटने का, और 10 फरवरी की रात हिप जॉइंट ऑपरेशन हुआ था। 10 फरवरी की रात मतलब उसी रात को ना जिस रात को खून हुआ था? हाँ। ओ, तो इसने कराई थी ये सर्जरी। हाँ जी, टी स्टेट में गए थे तो क्या पता चला? ओ, ये बात है। डिब्रूगढ़ में मिसेस मेघना से मेरी मीटिंग फिक्स करो, अगले 6 महीने का बजट डिस्कस करना है, मैं बाद में बात करता हूँ। जी कहिए, कौन है आप लोग? सीआई, नाम तो सुना ही होगा। सीआईडी? जी सुना है, वही जो चोरों और खूनियों को पकड़ते फिरते हैं। लेकिन हमारे चाय के बगान में सीआईडी का क्या काम? आपके चाय के बगान में नहीं, बल्कि क्वींस रोड पे वो जो 69 नंबर का फार्म हाउस है ना, वहां से हमें एक कंकाल मिला है, पर वो भी 25 साल पुराना। 25 साल पुराना कंकाल 69 नंबर के फार्म हाउस में? मगर इससे हमारा क्या वास्ता? देखिए, हमेशा कहा कि इसका खून चंदर नाम के एक आदमी ने किया है, जो 1985 में आपके चाय के बगान का मैनेजर था। 1985 में मैनेजर का काम? मगर आप तो नहीं करता ना? लेकिन अब ये कहाँ है ये तो पता लगाना ही पड़ेगा ना। इसका कोई फोन नंबर, एड्रेस वगैरह है? जी सॉरी, इस तरह तो यहाँ कई लोग आए और काम करके चले गए, इतना पुराना रिकॉर्ड बताना मुश्किल है। आप जरा इस चाय के बगान के मालिक का एड्रेस दीजिए, हम उनसे पूछ लेंगे। बगान के मालिक की तो काफी साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। बगान के मालिक की मौत हो गई? जी। तो फिर ये चाय का बगान कौन चला रहा है? इस बगान को अब एक ट्रस्ट चलाता है। अच्छा, मौत कब हुई थी बगान के मालिक की? जी, फरवरी 1987 में। फरवरी 1987? जी सर, मुझे तो लगता है कि ये सारी मौतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बगान के मालिक की कोई फोटो है आपके पास? जी देखता हूँ मैं। जी ये रहे। अरे, ये है बगान का मालिक। क्या बात है सर, अचानक आप लोगों ने हमें यहाँ इस तरह क्यों बुला लिया? हमें एक खूनी की कहानी सुनानी थी।
और कहानी सुनने के लिए कोई तो चाहिए ना। खूनी की कहानी? खूनी मिल गया क्या? जी हाँ। कौन है खूनी? वो भी पता चल जाएगा, इतनी जल्दी भी क्या है। उससे पहले आप दोनों को हमारे साथ एक गेम खेलना पड़ेगा। गेम? कैसा गेम? विवेक, इन लोगों को गेम के रूल समझा दो जरा। यस सर। देखिए गेम बहुत ही सिंपल है। एक्सरे एक्सरे, सबसे पहले आप डॉक्टर साहब इन दोनों के ही एक्सरे निकालेंगे। हम दोनों के एक्सरे? जी हाँ। क्यों भाई? हम लोग एक्सरे देखकर खूनी का नाम बता देंगे, फिर खूनी दया सर की दवाई पिएगा। हमें दवाई भी पीनी पड़ेगी? जी हाँ, आप लोगों को मेरी दवाई पीनी पड़ेगी। वैसे मैं बता दूं आपको कि मेरी दवाई बहुत मीठी होती है। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है मिस्टर विक्रम। डॉक्टर साहब, इन दोनों के हिप बोन का एक्सरे चाहिए हमें। अभी पता चल जाएगा कि आप दोनों के हिप बोन की सर्जरी हुई है कि नहीं। हाँ ले लीजिए डॉक्टर साहब एक्सरे, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हम डरे क्यों? नहीं रोहित, ये CID से है तो क्या हो गया? आप CID से हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप हमारे ऊपर जबरदस्ती कुछ थोपेंगे। मैं नहीं देता कोई एक्सरे फैक्सरे। ठीक है, मत दीजिए एक्सरे, क्योंकि हमें मालूम है कि खून आप ही ने किया है। खून मैंने? जी हाँ। ये रही DM हॉस्पिटल की रिपोर्ट। इसी हॉस्पिटल की रिपोर्ट, फरवरी 1987 को आपने इसी हॉस्पिटल में अपने हिप की सर्जरी करवाई थी। और वसुंधरा जी, इस फॉर्म पे आपके सिग्नेचर है, देखिए। विक्रम ने अगर सर्जरी कराई है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि खून विक्रम ने किया है? हमने कब कहा कि खून इस विक्रम ने किया है? हम तो ये कह रहे हैं कि खून विक्रम ने किया है। और ये फोटोग्राफ देखिए, हमें ये फोटो चाय के बगान के ऑफिस के दीवार पे टंगी हुई मिली थी, जिसके मालिक विक्रम और वसुंधरा जी थे। पर सर ये आदमी कौन है? ये वही आदमी है जिसके कंकाल की फोटो हमने तुम लोगों को दिखाई थी। ये आदमी है कौन? ये असली विक्रम। पर विक्रम तो मैडम आपके सामने खड़ा है। विक्रम नहीं, चंदर है, चंदर, समझे? चंदर? हाँ चंदर। मुझे एक्टिंग करते करते अपना असली नाम भूल गए तुम? छोड़ दो उसे, वरना मैं गोली चला दूंगी। क्या कर रही हो तुम? चुप रहो। CID ऑफिसर पे गंत आनेगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था सर ये दोनों मुजरिम हैं। दरअसल मैंने कभी विक्रम को देखा ही नहीं था, इसीलिए इन लोगों ने मेरे साथ ये खेल खेला। बताओ क्यों खेला तुम लोगों ने ये खेल? क्यों मारा विक्रम को? अगर हम विक्रम को नहीं मारते तो वो मुझे मार देता। विक्रम तुम्हें मारना क्यों चाहता था? पैसों के लिए। उस रात 10 फरवरी 1987 को वो मुझे फार्म हाउस में मारने के इरादे से ही लाया था। चंदर पहले से ही वहां मौजूद था। विक्रम ने अपने वफादार एम्प्लॉय चंदर के साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बनाया। विक्रम इस बात से अनजान था कि मैंने उसके प्लान की धज्जियां उड़ा दी थी। चंदर और जगत को अपनी तरफ करके मैं विक्रम को ही ऊपर पहुंचाने वाली थी। विक्रम की लाश को जगत ने फार्म हाउस में ही गाड़ दिया और मैं चंदर को DEM हॉस्पिटल ले गई। तो जिस चंदर के साथ तुम्हारा पति मिलके तुम्हें मारना चाहता था, उसी चंदर को तुमने अपने साथ मिला लिया और अपने पति विक्रम का ही काम तमाम कर दिया। अपनी जान बचाना कोई गुनाह तो नहीं है ना? अपनी जान बचाना कोई गुनाह नहीं है, मगर किसी की जान लेना है। खून करने के बजाय अगर तुम मदद के लिए पुलिस के पास जाती तो आज यहाँ नहीं बैठी होती। अब तुम दोनों को फांसी होगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.